अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहदेव और आप देख रहे हैं जेबी टेक यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम वन प्लस सेवन प्रो के बारे में बात करेंगे, इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और ये किस प्राइस टैग के साथ आता है और ये कब रिलीज होगा। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लें इसकी प्राइस की, तो इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो $785 है और ये जो मोबाइल रिलीज होने वाला है वो 14 मई को रिलीज होगा, तो इसकी उसी दिन इसकी जो रियल प्राइस है वो पता चलेगी। बात कर लें इसकी डिज़ाइन की, तो फ्रंट साइड पे हमें जो इसके देखने को मिलेगा एक फुल बेजल लेस हमें स्क्रीन देखने को मिलेगी, जिसके अंदर कोई भी बेजल नहीं होगा, बस एक स्क्रीन ही है। और बैक साइड पे इसके हमें कैमराज देखने को मिलेंगे जो कि 3 हैं और उसके नीचे ही वन प्लस का जो हमें ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। फ़ोन की जो राइट साइड है वहाँ पर हमें इसका जो पावर बटन है वो देखने को मिलेगा और जो इसकी लेफ्ट साइड है वहाँ पर हमें वॉल्यूम लॉकर कीज़ देखने को मिलेंगी। जो फ़ोन की नीचे वाली साइड है वहाँ पे हमें इसके जो स्पीकर ग्रिल है वो देखने को मिलेगी और उसके साथ ही हमें इसका जो माइक्रोफोन है वो नज़र आएगा और यूएसबी टाइप सी की जो पोर्ट है वो भी वहीं देखने को मिलेगी और उसके साथ हमें देखने को मिलेंगे जो इसकी सिम ट्रे है वो भी नीचे ही देखने को मिलेगी और जो इसकी ऊपर वाली साइड है वहाँ पे हमें इसका पॉपअप कैमरा देखने को मिलेगा। बात करते हैं इसकी स्क्रीन की, जो इसकी जो स्क्रीन है वो 6.67 इंचेस का एक एमोलेड पैनल है, जिसकी जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो 88% है। जो इसकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन है वो 1440x3120 पिक्सल है और जो इसके अंदर हमें प्रोटेक्शन दी गई है वो अकॉर्डिंग गोरिल्ला ग्लास 6 की दी गई है और ये जो स्क्रीन है वो HDR10+ को सपोर्ट करती है और इसके अंदर जो हमें रिफ्रेश रेट मिलता है वो 90Hz का देखने को मिलेगा। इसकी जो पिक्सल डेंसिटी है वो 516 PPI है। बात कर लें इसकी कैमराज की, तो बैक साइड पे हमें जो इसके कैमरा में देखने को मिलेंगे वो 3 देखने को मिलेंगे। इसमें जो मेन सेंसर है वो 48 MP का है जो कि 1.6 अपर्चर के साथ आता है। जो इसका जो सेकंड कैमरा है वो एक अल्ट्रा वाइड लेंस है जिस जो 16 MP का है और उसका जो अपर्चर है वो 2.2 है और इसी तरह जो थर्ड कैमरा है वो एक टेलीफोटो लेंस है और वो 8 MP का है और वो जो 2.4 अपर्चर के साथ आता है। बात करें इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की, इसका जो बैक कैमरा है वो जो वीडियो रिकॉर्ड करता है वो 4K वीडियो को सपोर्ट करता है और 30 और 60 FPS के अंदर वो रिकॉर्ड करता है। इसी तरह 1080 वीडियो रिकॉर्ड करेगा वो 30 FPS पे भी, 60 पे भी और 240 FPS पे। और अगर आप 480 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो जो उसकी रेजोल्यूशन है वो 720 तक ही रहेगी, यानी कि आप उससे ऊपर नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा इसका जो है वो एक पॉपअप कैमरा है जो कि इसकी जो ऊपर वाली साइड है वहाँ से पॉपअप होता है और जो ये फ्रंट कैमरा है वो 16 MP का है और इसका जो अपर्चर है 2.0 है और जो ये वीडियो रिकॉर्ड करता है वो 1080 रेजोल्यूशन में 30 FPS की वीडियो रिकॉर्ड करके देता है। बात कर लें इसकी इंटरनल्स की, तो ये डिफरेंट वेरियंट्स के अंदर आता है। इसके अंदर जो हमें ऑप्शन देखने को मिलेंगी वो 6 GB रैम और 128 GB रोम की देखने को मिलेंगी और 8 GB रैम और 256 GB रोम और 12 GB रैम और 256 GB रोम की देखने को मिलेंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें हमें जो देखने को मिलेगा है वो एंड्रॉयड 9 देखने को मिलेगा जो कि ऑक्सीजन OS 9 के साथ जो वन प्लस की जो सॉफ्टवेयर है वो उसके हमें अंदर देखने को मिलेगा और जो इसका जो हमें चिपसेट देखने को मिलेगी वो स्नैपड्रैगन 855 देखने को मिलेगा जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। इसके अंदर जो हमें GPU देखने को मिलेगा वो एंड्रॉयड 640 देखने को मिलेगा। सेंसर्स की बात करें तो इसके अंदर हमें सारे सेंसर्स देखने को मिलेंगे, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कंपास, जो एक्सेलेरोमीटर और सारे और जो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है वो हमें इसके स्क्रीन के अंदर ही देखने को मिलेगा जो कि फ्रंट साइड पे होगा। बैटरी जो इसमें हमें देखने को मिलेगी वो 4000 mAh की देखने को मिलेगी जो कि एक नॉन रिमूवेबल बैटरी है और इसके अंदर जो हमें चार्जिंग देखने को मिलेगी वो 30W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।